एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकाइंस व्लॉग। तो गाइज, आज का व्लॉग काफी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि आज हम जाने वाले पिकनिक पे। पिकनिक पे हम लोग कब जाते थे, स्कूल की तरफ से या मॉम डैड के साथ या फैमिली की ट्रिप के साथ? लेकिन क्या होता है कि मम्मी पापा लोग, पापा बिजी रहते हैं, मम्मी जाती नहीं है, और स्कूल का लाइफ तो चला ही गया, कॉलेज लाइफ आ गया है, तो पिकनिक तो भूल ही गई हूँ जैसे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, तो इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी पापा बहन को मना लिया है, और आज हम करेंगे बहुत सारा फन। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लव यू ऑल, चली चलते आगे बताती हूँ क्या करती हूँ। एक्साइटेड है एकदम, सुबह 4 बजे उठ गए जाने के लिए। मम्मी देखो, सुबह से ये वाली ड्रेस पहन ली, मम्मी कह रही आज यही ड्रेस पहन के जाएंगे। तो पापा लेकर नहीं आए आज लेके आएगा, तो पापा सिर्फ ब्रेड लेके आए, खीरा टमाटर केला सब लेके आएंगे, तभी ना पिकनिक लगेगा पापा। देखो 1 बजे कम निकलेंगे, 2 बजे पहुँचेंगे, 2 घंटे रुकेंगे, निकल जाना पड़ेगा। अरे निकल जाना पड़ेगा ठीक है, वहाँ खाने का कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आइसक्रीम मिलता है यार। पापा को देखो खाने का जरूरत नहीं, बोल रहा मम्मी पिकनिक में खाते नहीं तो क्या करते पापा? हम लोग खा लेंगे, आप हम लोग खा लेंगे ठीक है। और तुम भी एक्साइटेड हो? मन नहीं कर रहा, इसको मन नहीं कर रहा, क्यों मन नहीं कर रहा? ज्यादा गर्मी है, क्या गर्मी के कारण? मामा मुझे नहीं हो, गर्मी बहुत है यार, यही एक नाटक कर रही है पापा। देखो इसको छुट्टी देना, इसीलिए देखो यार पापा इतना नाटक कर रही है यार, हैबिट हो गई। कॉफी छोड़ दे, हम जाएंगे। तुम नहीं जाओगी तो एकदम मन है। कैसी लड़की हो यार, एक दिन प्लान कर दो, उसमें भी तुम नाटक करती हो। बहुत गर्मी लगता है। गर्मी क्या गर्मी लगता है यार, हूर की परी हो क्या तुम? बहुत गर्मी लगता है, बहुत बात बता, तुम हूर की परी हो क्या, तुमको इतना गर्मी लगता है भाई? किसी किसी घर में फैन भी नहीं होता, फिर भी लोग रह लेते, पता है, समझ रही हो? तो पहले हम भी लेते हैं। ज्यादा एक्टिंग मत करो, गंदा हैबिट का एक्टिंग मत कर, चल चुपचाप से। मैं नाटक करी जाने के लिए, और पापा मम्मी को कहती आप लोग भी मत जाओ, क्या करेगा जाके, इतना धूप है ये वो। अब धूप तो रहेगी, अब क्या करूँ मैं, धूप को तो नहीं रोक सकती। हाँ हम लोग कैप वगैरह लगा के लिए, पापा के लिए बिना मिर्ची का, मेरे लिए मिर्ची का, आलू की उबली सब्जी, शिमला मिर्ची की सब्जी बनाई है मम्मी, पापा खुद ही आ गए। पापा ये क्या खरीद लाए, मिस्त्री लेकर आ गए मम्मी के लिए। मम्मी आपके लिए मिस्त्री ले आए पापा। क्या निकाल रहे हो पापा फ्रिज से? बर्फ। फ्रीजर में रहता है बर्फ, पहली बार तो बड़ा सिल्ला निकालने वाला है, देखो निकल गया। वाह क्या आइडिया था, दिखाओ पापा। नहीं गिराएंगे तुम, देखो इतना बड़ा, हम छोड़े बक, बोल रहे ठंडा ले लो पापा, ले नहीं रहा पता है, जा रहे हैं, बाय बाय। पापा फोन करेंगे तो हम लोग नीचे जाएंगे। मम्मी कह रही है बेल्ट लगाने, पापा को बेल्ट लगाना है क्या मम्मी? हाँ छोड़ दो पापा, छोड़ दो मम्मी बोल दी, मम्मी बर्तन वाली को देगी, नया ला के देगी आपको ठीक है, नया ला के देगा ना, तो छोड़ने कैसे बोलता है, समझ जाता है, अपना कपड़ा तो आप छोड़ता नहीं मम्मी। बर्तन ले देंगे, बर्तन ले लेंगे, वाह वाह वाह। तुम भी देगी 3-4 टी-शर्ट? नहीं हम तो कुछ नहीं देंगे अपना, दे देते ना। बोल टॉपिक, बोल क्या बोल रही थी, बोल नहीं बोलना, जब तुम कैमरा क्या क्यों नहीं बोल रही, बोल मुंह करके बोल, बोलना जब तुम बोल रही है, अगर तुम सही हो तो तुम ये बात बोल दो, मान ले चल चल बोलना, अगर तुम सही हो तो फिर भी मैं कहीं आना है ना पसंद नहीं। तुम उसके बाद क्या बोली थी हमको, सेल्फिश बोली थी ना, बोलना तुम कहा जा रही, बोल कभी खाना वाना खा के ब्रश करती है, घर में रहती 2 बजे तक ब्रश करती है। मम्मी टॉफी हमको क्या बोल रही थी, बहुत सेल्फिश है, हमको सेल्फिश बोल रही थी ये, है ना मम्मी? हाँ बहुत मतलबी है, धूप में जाने बोलती है, देखा अब समझाएंगे नहीं, जाती कौन सा, हम एक दिन तो प्लान करते हैं, है। वो भी फैमिली ट्रिप का ही प्लान करते हैं भाई, अकेले चल जाते हैं, मन करता है आप लोगों के साथ जाने का, अकेले हमेशा कहाँ जाए बताओ। वाह मम्मी आप मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया मम्मी, चलते घूम रहे हैं तो घर में बैठी रहो। वाह मम्मी वाह, संडे को कहीं जाकर मतलब नहीं है, भीड़ रहता है इसलिए वीक डेज में जाते हैं पापा। अरे तो भीड़ इतना रहेगा ना मम्मी आप अंदर घुस नहीं पाएगा। पहन रही हूँ ये प्यारा सा वन पीस, देखो जो मैंने पहले भी पहना है जब मेरी बहन का बर्थडे था तब, ये मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मुझे जीन्स टॉप पहने का बिल्कुल मन नहीं। फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने वन पीस पहना क्योंकि जीन्स टॉप पहने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जीन्स से यार इतनी गर्मी है, धूप भी सच में है यार,
बट क्या करूँ, अब पिकनिक पे जाएंगे तो धूप सहना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। एंड मैंने सोचा है कि मैं कैप ले लूँगी वहाँ से और गॉगल्स कैरी कर लूँगी। मम्मी के लिए भी गॉगल्स ले लेती हूँ, पापा के लिए भी ले लेती हूँ, बहन के लिए भी ले लेती हूँ, खुद के लिए भी ले लेती हूँ। बाकी मैंने आपको बोलते कि डेली मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी, तो अभी सुना देती हूँ, क्या पता बाद में टाइम मिले ना मिले। तो धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप पे, धूप के ऊपर एक सॉन्ग है, धूप आए तो छाव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। सबसे अच्छी लाइन पता है क्या है, जो मिले बाट लेंगे हम थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बाट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। थैंक यू। लगाए गॉगल्स, मम्मी रेड पहनी है। मम्मी आप रेड पहना, आपके लिए रेड वाला गॉगल्स लगा लेंगे क्या? ठीक है पहले रेडी हो जाओ, बाकी मेरी बहन के लिए ये वाला गॉगल्स देख लेती हूँ। मम्मी और बहन के लिए निकाल दिया, पापा के लिए भी चाहिए। मम्मी मेरा तो बैग के अंदर ही पड़ा, चलो हो जाएगा पापा के लिए। मम्मी मम्मी लगा रही लिपस्टिक, देखो ओह दिखाओ मैं लिपस्टिक कैसा लग रहा है। पिंक कलर है, शेड अच्छा है लिपस्टिक का, अच्छा लग रहा है। पर आप रेड में पिंक क्यों लगा लिया मम्मी? मम्मी का कुछ भी लगा लेती है क्या? स्मेल अच्छा आ रहा है, लिपस्टिक का स्मेल अच्छा आता था। ओह हीरोइन लग रहा है। बस बाल बांध लो, गर्मी बहुत है मम्मी। हाँ बाल बांध दो, अच्छा लग रहा है। बाल बांध हमारा पिकनिक का सामान, ब्रेड, खीरा, टमाटर। यार खीरा देख रहे हो आप? टमाटर तो क्या गला पचा है पता नहीं। केला है साथ में, नमक ले लिया है मम्मी ने। ये क्या है, भुजिया ले लिया है, चाकू ले लिया है, छीलनी मैं नया लेकर आई थी, याद है आपको? मैं जीती थी गेम में, अगर आप लोग डेली व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा। तो ये सबसे अच्छा चीज है छीलनी, देखो। और साथ में न्यूज़पेपर लेके जाएंगे हम, ताकि न्यूज़पेपर बिछा के हम लोग खा सके। क्या टॉफी अच्छा लग रहा है। डन, तब हम लोग जाएंगे पिकनिक में। मैं खाली कर दे रही हूँ इस बैग का सारा सामान, इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें सामान डालनी है। ब्रेड में से कौन सा लेगी, ब्लैक लेगी कि ये लेगी, पता नहीं वो रेडी हो गई कि नहीं। रुमाल में हम ले लेते हैं। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द पिकनिक? रेडी, चलो। लो टॉफी, तुमको चश्मा कौन सा चाहिए इसमें से? हाँ, ये तुम अच्छा लगी। कौन सा लोगी? ये वाला। मम्मी भी ऐसे ही लिए रेड कलर का। ओके डन। गॉगल्स लगा लो, दिखाओ टॉफी, दिखाओ टॉफी, दिखाओ टॉफी, दिखाओ। गॉगल्स कभी नहीं लगाती, कभी नहीं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मम्मी बहन सबको गॉगल्स बना दिया जाए, पापा पहनेंगे नहीं। पापा कहते हैं कि गॉगल्स पहने से उनको दिखाई नहीं देगा अच्छे से ना, प्लास्टिक का। सही बात है, प्लास्टिक का कैसे हटकेगा? हमको लगा थर्माकोल का प्लेट होगा, पेपर से ही काम चला लेंगे। 6-7 पेपर से क्या होगा, 4 पेपर नीचे बिछाएंगे ना बैठने के लिए, एक जन का, और 1-2 पेपर से खा लेंगे। और ले लेना पेपर, हमको दे देना, हम रख लेंगे। ठीक है, हमारे घर के बाहर क्या कर रहा, और धूप देख लो आप इतनी तेज है। और यार न्यूज़पेपर लेना है, और ले लेते क्या? न्यूज़पेपर तो क्या है, काम आता रहता है, काम ही आ जाएगा। चलो न्यूज़पेपर ले लेते हैं। डेयरी मिल्क खा रही है गाइस, मेरे को दोगी क्या? हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हम तो कभी मना करते हैं, दो ना डेयरी मिल्क खा लेंगे हम, दे दो। मम्मी नहीं खाएगी। क्यों? मम्मी खाएगा ना? हाँ मम्मी खाएगी, मम्मी का मन है। तुम जबरदस्ती ना बोल रही, सबसे ज्यादा चॉकलेट पता क्या अच्छा लगता है? 5-स्टार। तो कभी आप लोग मिलो मुझसे तो मेरे लिए 5-स्टार मुझे दे सकते हो। मजाक कर रही, चला गया जो मेरी बहन लेगी, और ये फोन चला रही है अभी, देखो। बाकी मम्मी कहाँ गई है, मेरे रूम में घुस गई। पिकनिक पे जाने पे सुबह से आज कुछ खाई नहीं, सुबह उठ गई 5 बजे। मतलब पिकनिक पे जाने का एक्साइटमेंट ही अलग रहता है, स्कूल में जाओ चाहे घर के साथ जाओ। तो अपना सामान रेडी कर रही है, मम्मी मिल गया मेरे को स्ट्रेप्सिल्स, अगर आपको खांसी आएगा तो आप ले लेना, अच्छा है। ठीक है, वो अपने केक में डाल रही है। मम्मी ऐसे डालेंगे तो मेरा खराब नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, पक्का पक्का डाल दे ऐसे। हाँ हाँ, ये सब फूलेगा ही ना, मक्का डब्बा होगा। टमाटर तो बहुत यूनिक है, देखिए क्या मुझे टॉफी के बैग में ना। हाँ, ये गॉगल्स रख लेते डब्बा में, कहीं टॉफी तो यूज नहीं करेगी, और अपना गॉगल्स सब ले लिया। ठीक है, और एक कोम डाल लेते काम आए तो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है गाइस, ईयरपॉड्स, जिससे मैं रील्स बनाऊंगी और शॉर्ट्स में भी डालूंगी। पेपर, हाँ पेपर भी डालना जरूरी है। टॉफी डाल ली है वैसे, हम भी डाल लेते हैं। अब देखो बैग हल्का भी हो गया दो बैग के लिए, थैला लेता तो कौन ले लेके घूमता बता। देख क्या पीछे नीचे टांग लेंगे, आराम से जाएंगे इसे दबा। मेरी बहन बहुत चिल्ला चिल्ली कर रही है क्योंकि उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और मेरे को
मैं चाहती हूँ हम चारों जन साथ में जाए, तभी मजा आएगा, हम लोग घूमेंगे चारों जन। अब अकेले हम क्या करेंगे, मेरी बहन कभी कहीं जाती नहीं, बट वो ऐसे चिल्ला रही है कि क्या कहीं भी जाना, तुमको पापा को नहीं ले जाना, पक्का डन कर दिया जाए, नहीं जाओगे तो तुम लोग हम जाएंगे। आप तो आप छोड़ दो, मैं आप ही बोलता है इसको लेके जाने के लिए यार, फिर आप झाड़ भी सुन लेता है, झाड़ सुन लेता है। व्हाइट शूज मम्मी, ये मम्मी का तितुले रुमाल पोछने के लिए, रुमाल मेरे को नहीं चमका रखेंगे, आप रख लो ना अपने पास, टॉफी के बैग में डाल दे, काम करो टॉफी, देखो ना मैचिंग का ईयरपॉड्स लगाई है जो, ओह भाई अपना फोन दिखा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, हाँ सेम सेम, जाने के लिए तैयार है, तो चलिए चलते हैं। और पापा मम्मी एक जो कैब है वो उधर है, चलना पड़ेगा हमारी घर के नीचे कैब में, लॉक है भैया, लॉक रखे हैं भैया, गेट ही नहीं खोल रहे आज, मैं भी बैठ जाती हूँ कैब में बैठ गए, लेकिन मैं लीची जूस देखने गई थी, बट लीची जूस आज अंकल के पास है ही नहीं, ऐसे हमेशा रहता है क्या, आज चाहिए था फिर है कुछ छोड़ लेने, कोई बात नहीं, अपन पहले जाते टाइम पे थम्सअप पी लेंगे क्या बाहर से, गेट लॉक करवा या कुछ नींबू का कुछ शरबत, लॉक गेट लॉक नहीं है, हो ऐसे मैं वीडियो बना रही होती और गेट खुल जाता मैं चली जाती, गॉगल्स क्यों दिए थे, अभी नहीं पहने, बाद में पहनने के, तो रूट बिहेव क्यों करती हूँ एनी टाइम, ठीक है तो बोल दी आप पहनेंगे, चुप नहीं अभी जैसे वॉक की धूप था, आवाज मत कर, दिल्ली वाला भी माल भेजा, दिल्ली वाला माल भेज दिया, पापा का सारा काम फ्लॉप हो गया क्या, कोई बात नहीं अब तो 2 घंटे में आ ही जाएंगे पापा, फिर आप काम कर लेना अपना, नहीं होगा ना शाम को, नहीं होता बोली शाम को, नहीं होता सेठानी, तो फिर लत मत लगती उसके ऊपर, बाप रे इतना पूरी हूर की परी, बाबा कैसे बैठी हूँ क्योंकि मेरी तरफ ही धूप आ रहा है, मेरी बहन की तरफ बिल्कुल धूप नहीं आ रहा ना, मम्मी की तरफ सिर्फ मेरी तरफ आ रहा है, मम्मी ने एक रुमाल उड़ा दिया इसको, मैंने ऐसे कवर कर लिया, पहुंच गए पापा और मैं साथ में चल रहे, बाकी मेरी बहन और मम्मी पहले ही भाग गई, तो बंदा तो यहाँ से सीढ़ी उतर के जाना होगा, देखो पापा साथ है, मम्मी बो रही, देखो गॉगल्स लगाना पड़ेगा, कौन बोला और एंट्री नहीं है, बिना मास्क के एंट्री मिलेगा नहीं, पर लेट्स सी अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आके ले लेंगे, क्योंकि अब मास्क कौन लगाएगा, तो इतनी गर्मी है, कोरोना भी खत्म हो गया, कुछ खाना झड़क झड़क खड़ी है, खड़ी होके भूख लग गया, सबसे पहले से कह रही भूख लग रहा, भूख लग रहा, मम्मी हम लोग नींबू पानी पीते हैं, कहाँ है यहाँ है भैया, क्या ग्लास दे दीजिए, 4 ग्लास दीजिएगा, ठीक है भैया, अब हम लोग पीने वाले नींबू पानी, हम और ये लोग पापा और ये यहाँ खड़े रहे, तो भैया डाल रहे एकदम मस्त सा नींबू जो कि बहुत महंगा हो गया, क्या भैया नींबू तो महंगा हो गया है, 10 रुपया छोटा नींबू, और फिर भी भैया आधा आधा नींबू डाल दे रहे एक ग्लास में, क्या अगर नींबू हम लोग ट्राई करते दुकान से एक पीस लेके तब हम लोग खरीदते हैं, ओ सही में नींबू महंगा रहेगा, खट्टा रहेगा तभी हम लेते हैं, ओ भैया देख कर लेते हैं अच्छा नींबू, ताकि हमें अच्छा नींबू सिकंदी पिला सके क्या गर्मी में, नमक डाल रहे भैया, अभी भैया डाल दे रहे हैं सिकंदी में, एक एक पैकेट जीरा जलजीरा डाल रहे, देखो एक एक ग्लास, इतना अच्छा भैया दे रहे सिकंदी, और क्या ही देंगे, और सोडा सिकंदी जो है वो 30 रुपए का है, तो बाकी लोग देख देख के जा रहे, पी सकते हो यार, अच्छा बनाते हैं भैया, भैया बर्फ ही बर्फ डालेगा, तो मम्मी और पापा को मीठा पीना, तो मम्मी और पापा के लिए मीठा वाला और हम लोगों के लिए कम मीठा, अंकल पूछ रहे पापा अच्छा लगा, अच्छा बनाया अंकल, देखा नींबू पानी बहुत ही टेस्टी बनाया है, अब मम्मी पापा को भी काफी अच्छा लगा, काम रखना टिकट जो है मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था, क्योंकि टिकट काउंटर में बहुत भीड़ रहती है, और बाहर में खाने पीने का भी बहुत कुछ है, आप लोग आओ तो खाते हैं, साथ चल रही पापा मेरे साथ चल रहे हैं, देखो मैं मास्क खरीद लूँ, लेकिन मास्क का कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कोरोना यहाँ लगभग जा चुका है, इसलिए हम लोगों ने अच्छा क्या लिया नहीं क्या पापा, हाँ वही तो, मम्मी तो गॉगल्स लगाएगी ही नहीं मेरे को लग रहा है, गॉगल्स लगा लो, काफ़ी अच्छा है, देखो यार यहाँ पे वीडियोज अच्छे बनेंगे, गाइस यहाँ पे देखो धूप भी नहीं है, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ गाना नहीं बज रहा, टॉफी तुम्हारा काफी अच्छा वीडियो आ रहा है पता है, एक बार स्माइल कर दो, वाह क्या लग रही हो तुम, मेरा वीडियो बनाओ, अभी हम लोग आए हैं गोरिल्ला देखने के लिए गाइस, इससे दिखेगा नहीं हमको साफ, तो खोल लो आप, गोरिल्ला है नहीं, हम लोग आते समय देखेंगे, क्योंकि वो धूप में वो भी क्या ही करेगा बाहर, ज़ेब्रा
पापा कह रहे हैं सामने देखो ज़ेब्रा दिखेगा। ऐसे मैंने ज़ू की वीडियोस तो बनाई है, देखो पेड़ के पीछे अपनी मुंह छुपा के रखा है ये, देखा आपने, मम्मी देख रही है ज़ेब्रा। टांग ले टॉफी, एक कंधे में रखेगी दर्द हो जाएगा, सुनी नहीं रही है ये। ए टॉफी सुनी नहीं रही, यहाँ कुछ होगा, मम्मी भाग कर गई देखने के लिए, जहाँ भीड़ होता मतलब समझ जाओ यार कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा। देखा है क्या मम्मी, ओ टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज। सो गाइस यहाँ पे कछुआ है, कछुआ का बच्चा है, कछुआ काफी अच्छा है। मम्मी बुला रही है इधर, मम्मी देखो एकदम पास में खड़े होके देख रही है कितने अच्छे से। अभी इधर से कैमरा लेके आएगा, अच्छा दिखेगा, इधर ले, इधर ला ना कैमरा, इधर छोड़ा, हम छोड़ के आगे भाग गए गाइस, खड़े हैं। आप लोग मेरे को छोड़ के भाग जाओ बस, ठीक है। कंगारू देखने आ गया था, कहाँ पे गाइस, कंगारू देखने के लिए मम्मी पापा मुझे छोड़ दिए थे। ये देखो ये ऐसा छलांग मारता है, ये क्या बताऊँ, सबके साथ झुंड में घुस के इधर उधर से देख ही ले रही है कुछ ना कुछ। डियर है, डियर 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 डियर। हाँ खाने पीने का सब कुछ ला सकते हो, सिर्फ प्लास्टिक का पैकेट छोड़ के, क्योंकि मैंने नेट पे चेक किया था उसमें लिखा था कि प्लास्टिक का पैकेट नहीं लाना है, बाकी सब कुछ ला सकते हो। बाकी हमने तो सिर्फ ब्रेड बटर लिया और कुछ ले रहे थे, पर पापा ने बोला नहीं और कुछ मत लो, इतना ढो के कौन लेके चलेगा, सही बात है इतना ढोएगा कौन, तो खरीद भी सकते हो यहाँ पे भी मिलता है बहुत कुछ। मतलब सिर्फ डियर ही डियर, जहाँ पे आप डियर देखोगे वहाँ पे लाइन से डियर ही डियर है, तो क्या ही डियर देखूँ मैं बार बार। मगरमच्छ देखा है क्योंकि गर्मी के कारण सब पानी के अंदर चले गए, मुझे लग रहा है पानी काफी गंदा है यहाँ। मम्मी और बहन भाग गई, देखो दिखा, हम देख लिए छोटा सा ही दिखा, बैठ गई थक के, मेरी बहन कह रही अब मेरे से चला नहीं जा रहा है ये वो। क्या आइसक्रीम, क्या लाया जाए, आइसक्रीम लाया जाए, आइसक्रीम खाएगा क्या, कौन सा आइसक्रीम खाना बताओ, चॉकलेट, चॉकलेट, आप चॉकलेट, शॉप भी है गर्मी के कारण, चलो अच्छा है, मम्मी और सब चॉकलेट आइसक्रीम खाएगी, पर मैं कुछ डिफरेंट खा लूंगी, क्या आम वाली खा लूंगी। क्या रहे, अरे है क्या, मतलब चेरी वेरी डाला है क्या, आइसक्रीम खा रहे कपल गोल बना बना के देख रहा हूँ। और मेरी बहन अलग से बैठी है हमेशा की तरह, देखो ऐसी चीज के पास आ जाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा यार, खत्म नहीं कर रही जो है। 120 लगा चार टिकट का, 120 लगा, 250 हमला वीडियोग्राफी का, अगर आप लेना चाहते हो तो 250 का टिकट ले सकते हो, तो टोटल हमारा अमाउंट चार जन का 370 लगा है। तो वीडियोग्राफी का आपको लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग वीडियो बनाते ही हैं, फोटो भी खींचते ही हैं, तो आप लोग वीडियोग्राफी का ना भी लो तो चलेगा, लेकिन चार जन का 120 लगा है। पानी दो, हम भी पियेंगे, बड़ा बड़ा बतख तो है, स्वान स्वान, कितना बड़ा बड़ा स्वान है पापा, ये लोग तो हमेशा फटफट भाग जाती है, मम्मी देख ही नहीं रही, ये भाग रही है, कहाँ जाना बाबू, आइसक्रीम खाएगा, खा लो, मस्त खुशी है, अब ये भी हंस रही है बहुत दिन बाद, ये थक गई है बहुत, बुढ़ापा आ गया टॉफी को, मम्मी तुम्हारे साथ प्लान नहीं बना, तुमको नहीं लेके आना है क्या, चिल्ला चिल्ली कर रही, बताओ। बहुत सारी डियर है, मैंने आपको बताया था डियर ही डियर है इस पार्क में, मुझे लग रहा है पूरे जू में तो डियर ही डियर भरती पड़ा है। अलग जोड़ी बना के देख रहे हो, वो एकदम दूर में खड़ी है, देख रहे हो ये देखो, हाँ चल ना रहे है, 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 गर्मी लग रहा है, नाटक करिए इसीलिए घूमेगी, यहाँ पे बैठ गए चेयर देख के, अभी यहाँ पे मैं बिछाने वाली हूँ, तो न्यूज़पेपर बिछाएंगे। माय नेम इज चिक्की 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 चिक्की। पापा ये फटा हुआ था यार, और दो टॉफी के पास है, और न्यूज पेपर लगेगा क्या, हम नहीं नहीं होगा, एक रखिएगा, अरे बहुत सारा मम्मी, तुम कितना कोई खाएगी, तो बैठने का जगह बना लिया, आओ पापा आपके लिए सबसे पहला बिस्तर बिछाएंगे, पापा ही बनाते हैं अच्छा सैंडविच, और पापा ही बनाएंगे,
चिक्की 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 सैंडविच देखो केला का 12 बजे हम तो बोले थे केला टूट फूट जाएगा, मम्मी सुना नहीं, मेरा बैग भी गंदा हो गया होगा। केला मत डालना पापा, केला मत डालना, केला सड़ गया मेरे बैग के अंदर, अपना मैं डाल लेंगे एक बार। प्लीज टॉफी रिक्वेस्ट कर, प्लीज एक बार देख ले यार, प्लीज एक बार फोटो लेंगे। एकदम टेस्टी सैंडविच बना रहे, इसको तो मच्छर उच्छर सब काटने लगे, क्या ही बताऊँ, ये बहुत नौटंकी करती है। और मम्मी शांति से बैठी है सैंडविच पर, सैंडविच पर नहीं शांति से बैठी, हम बोले हैं देख रहे हो, इसको सब काटने लग गया अभी। बटर लगाएंगे, मम्मी बटर लाने गई मेरे बैग से, बैग में रख दिया था मैंने। क्या बोल रही थी, बोल। ये घर जाना है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, इरिटेटिंग मच्छर ज्यादा ही हो रहा, पता है आज टॉफी का मम्मी चिल्ला रही, मम्मी पे देखो कैमरा को देखते हंसने लग जाती है, ऐसे चिल्ला रही थी। पापा लगा रहे बटर, पापा हम लगाते बटर, मेरे को जी घबरा रहा है, मैं उल्टी आ रहा है। बटर बटर मस्त सैंडविच बन गया देखो, एकदम मस्त था, पापा भी बना दिए हैं। काटने दो, तुमको काटना भी चाहिए, ऐसे बदमाश लोगों को काटना चाहिए, चीटा पीटा सब काटेगा। पापा टमाटर एकदम मस्त तरीके से काट के डाल रहे हैं, सैंडविच बन रहा है। मेरी बहन परेशान कर रही है हम लोगों को, बहुत परेशान कर रही है, परेशान आत्मा। पापा को सैंडविच नहीं बनाने दे रही है ये, पापा को गुस्सा आ रहा, मेरी बहन परेशान कर दी इसीलिए, बहुत परेशान कर रही हो टॉफी तुम। तुम ना जा रहा पापा और टॉफी, बहुत परेशान करती है टॉफी, एकदम जीना खराब कर देती सबका। गाइस पापा ने सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनाया है, बाबा। सब महारानी लोग खा पी के उठ गए हैं, कचड़ा मैं उठा रही हूँ, अब देख लो सब बैठ गया है, ऐसे भी कोई उठाने में हेल्प नहीं करेगा ना। वाह वाह सही है भाई, सब उठाने नहीं करना चाहिए, जब यूज में दिया हुआ है तो अपन यूज में ही यूज करें क्या। बैठो बैठो सब आराम से बैठो, वाह वाह मजा आ रहा है देख के। तो ब्रेड ब्रेड थोड़ी उठाना था, कचड़ा उठाना था। हाथ धोने का भी बहुत अच्छा बना हुआ है देखो, मेरी बहन अपना हाथ मुंह सब धो लेगी, देखा मैंने बोला था मुंह धोएगी। पापा भी आ गए हाथ मुंह धोने के लिए, ये देखो पापा मुंह धो लो, पापा मुंह धो लो, धो लो पापा, बहुत ठंडा है। अरे आप तो मेकअप भी नहीं किया, पानी है यार, और पानी भी कितनी साफ है देखो। अरे से मर गया क्या मम्मी, पास जाएगा तो खा जाएगा पापा ना, अपने अंदर भी जा सकते हैं, जाओ ना मम्मी आप अंदर जाओ। कहाँ बैठा है, बोरा बोरा देखो कितना अच्छे से बैठा मैं, है ना, इसके अंदर घर के अंदर, हाँ घर के अंदर भरा हुआ है, एक्चुअली दिख रहा है रिफ्लेक्शन पड़ा था नहीं, हाँ 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 घर के अंदर पूरा भरा हुआ है देखो भाई, देखो यहाँ दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, इसके अंदर घुसा हुआ है भाई, तो लकड़ी के अंदर सब घुस गया है, दिख नहीं रहा इसे, ये रहा पानी के अंदर, हाँ पानी के अंदर, बाप रे मम्मी पानी के अंदर बहुत ज्यादा है देखो, खिड़की के तरफ पंखा के तरफ, हाँ हाँ मोटा मोटा पानी की वजह से बैठा हुआ वहाँ, इधर इधर छिपकली छिपकली बड़ा छिपकली कहाँ है, इधर चल रही है, छोटी सी छिपकली है ये तो, कितना मोटा सांप है ना टॉफी, ये मोटा, इसका नाम क्या है पापा बताओ, पापा पढ़ रहे हैं, अंदर कुछ है, कुछ तो राज छुपा है, चलिए देखते क्या है, दे रहा है दिखेगा नहीं आपको, अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, जितना भी था सब कुछ बंद था, और कुछ मरा हुआ था पता नहीं, जिंदा भी होगा तो एक ही चीज देखने मिला अंदर, और कुछ नहीं था, पर हाँ अंधेरा था तो राहत मिल रही थी गर्मी से। जो आप लोग सबको पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, वो आ गया, मम्मी की सबसे फेवरेट है, मम्मी को उसके पास ही बैठाना होगा, लग रहा है सब जगह, कहाँ है बिल्ली, वो वहाँ पे बैठ के बिल्ली देख रही है, यहाँ भी पिकनिक चल रही है हर जगह। आपको शेर दिख रहा है, ये देखो मैंने पूरा जूम कर लिया, अकेले दिख रहा होगा, ये देखो जा रहे हैं पापा, सामने आ गया, हाँ सामने आ गया गाइस,
ये तो ऐसा लग रहा झपका मार रहा है, सामने खुला टेंशन में। मम्मी शेर देख के मजा आया? कुछ कहना चाहती है बोलो मम्मी, क्या बोलना चाहती है? दोस्त है, रोज का काम, हम तो रोज देखते, रोज मिलते। शेर से मम्मी रोज मिलती, मम्मी का दोस्त है, मम्मी का ऐसा कहना है। मकाओ ये देखो, येलो मकाओ, ब्लू मकाओ, तो ये देखो पूरा जूम कर दे रही हूँ मैं। मिटो ये खाना खा रहा है, पूरा फ्रूट्स वगैरह दिया हुआ है इनको, देख रहे हो? और एक बाकी यहाँ बैठा हुआ है प्यार से ही। बाबा उनको डर गए मम्मी। दिख रहा ना मम्मी? तो गाइस मुझे ये वाला पैरट, मतलब पैरट है कि क्या है देखूं? हाँ ये पैरट है, येलो हेडेड अमेज़न पैरट है। तो वहाँ पे ये को क्या है, इसका नाम लिखा हुआ नहीं है, जो भी है वाइट है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। जरा पास से हम उसको देख सकते हैं, दिखा दो मम्मी, बुला रही आओ। गाइस मम्मी बुला रही, मतलब कुछ अच्छा दिखाई। मम्मी अपने फ्रेंड से मिलाने वाली है, देखो ऊपर इधर। तो मम्मी का कहना है कि घर पे ऐसे ही पैरेट, मम्मी घर पे ले आए क्या ऐसा? मम्मी चाहती है घर पे ऐसा ले आए। कुत्ता तो पालने नहीं दे रही है, पैरेट लाने का बात कर रही हूँ। क्या बोल रही तुम? कुत्ता तो पालने नहीं दे रही है, पैरेट। अब बोलती दो दो कुतिया घर पे, तो और तीसरा पाल के क्या करेंगे बताइए? क्या हम दिख रहे हैं कुतिया? मम्मी कहती है हमें बताइए। प्लास्टिक का पैकेट अलाउ नहीं, वो नेट पे हम देखे थे ना मम्मी गूगल पे, तो वो लिखा था, पता नहीं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ बैठ के रेस्ट करेंगे, रील्स भी बनाना था जो मैं नहीं बना पाई, अब मुझे घर जाना पड़ रहा है मेरी बहन की वजह से। यार बहुत चिल्ला चिल्ली कर रही है सबको, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पीना है थम्स अप, उसको लग गया बहुत तेज प्यास, मम्मी को भी। फैंटा जैसा कुछ ट्रेन दिखा है या मेट्रो, समझ नहीं आ रहा, ट्रेन ही है। यहाँ पे टी शर्ट्स लगा हुआ है और इनको लग रहा है यहाँ पे थम्स अप हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। बाकी ये देखो पूरा ट्रेन के जैसा, यहाँ एक वीडियो तो बनाना पड़ेगा। बोला तो थम्स अप नहीं, लोग सुनते नहीं मेरी बात, सबसे ज्यादा मेरी बहन। पापा तो फिर भी सुन लेते हैं। मिस कॉल पे मिस कॉल नहीं ले, फोन नहीं कर रहा पार्टी, पार्टी तो काम एक दिन घर में नहीं रह पाते ना। चिल्ला टॉफी, चिल्ला कैमरा ऑन है, चिल्ला ना टॉफी, पापा भी चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला ना तुम, चिल्ला भाई चिल्ला। सबसे गुस्सा होकर जा रही है ये, दोनों यहाँ पे आ गई है क्या हमें? वाह ये तो सुंदर लग रहा है। हाँ ये दो पैर पे बैठा, पैर पे तो सब मछली खाते हैं। हाँ वो बहुत बड़ा वाला है, मस्त है ना मम्मी ये? भाई लोग उड़ जाएगा ना मम्मी, इसीलिए पूरा डैन लगा दिया है, समझा? अच्छा वो इस साइड आ गए, अच्छा चीज देखने मिला तो मम्मी। वेट, पापा पापा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो आपको जगह ये बहुत पसंद आएगा, देखो कैसा लगा है ना? ऊपर देखो घोसला है उसके, पापा देखो उधर घोसला है, ऊपर रखा है। अंकल के पास और भी अच्छे अच्छे आइसक्रीम है, ये लो मम्मी लो, ये तो नहीं खाई कह रही। आइसक्रीम वो भी 2-in-1 इससे मिला है बोल। सो गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में। तो जैसे बटर स्कॉच चॉकलेट्स वगैरह 40-45 के, और नॉर्मल 2-in-1 जैसे हमने लिया वो 20 का मिल जा रहा है। 2-in-1 और भी अच्छे अच्छे, मतलब आप रेट देख के ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए प्राइस, डिफरेंट प्राइस के डिफरेंट आइसक्रीम। लेडीज वॉशरूम भी है और जेंट्स वॉशरूम भी है, जिसको जाना है जाना। अमरूद, हम लोग अब बैठते बैठे अमरूद खाएंगे, मम्मी खा रही है। अमरूद कच्चा ही होता है, पक्का थोड़ी होता है भाई। अच्छा ना मम्मी, मेरे को भी दो। यहाँ पे और भी चीजें खाने का देखो, बहुत सारा टॉफी का चिल्ला चिल्ली से मजा किटगड़ा हो गया। नहीं लगा ना, कभी इस लड़की को नहीं लाएंगे, सबको परेशान करती है। वही तो फाइनली हम लोग घर आ गए, थक गई मैं चढ़ते चढ़ते, चप्पल खोल देती हूँ। अपने तोते को कहाँ बैठा दिया था? यहाँ पे मंदिर में भगवान के पास ये सेव रहता, और यहाँ पे फैन भी चल रही थी, उससे थोड़ा राहत मिलता कि अकेले ऐसे छोड़ के जाना सही नहीं था, इसलिए भगवान इसकी ध्यान रख रहे थे। है ना मेटू? है ना मेटू? ये स्नैपचैट में फिल्टर निकला है जिससे आप रोते हुए दिखोगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप रो नहीं। इंस्टाग्राम पे नया ट्रेंड निकला है रोने वाला, तो वो रोने वाला जो ट्रेंड है वो स्नैपचैट का फिल्टर है, जो अभी मैं आपको दिखाई वो वाला। तो आप लोग क्राइंग
क्राइंग लिखोगे ना सर्च करना क्राइंग फिल्टर वो आ जाएगा। तो जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और वीडियोस बनाते हैं वो अभी ट्रेंड पे, तो आप लोग बना सकते हो जाके। बाकी मैंने अभी तक नहीं बनाया, मेरी बहन का ना फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है क्योंकि उसके मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ बनाने। यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए कल मैंने वीडियो नहीं डाला था तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लंबा वीडियो बनाया जाए। तो आज का व्लॉग जो है वो 30 मिनट्स का है या 35 मिनट्स का है, शायद आप लोग बहुत बहुत खुश होंगे मुझे पता है, और आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको देख के अच्छा लगा ना तो गाइज सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर तो बनता है, तो अपने फैमिली ग्रुप, अगर आपका फैमिली ग्रुप है तो शेयर कर दो, फ्रेंड्स हैं आपके तो शेयर कर दो, जितना आप लोग शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू गाइज, यू गाइज आर ऑसम। और नीचे लिंक दिया गया है, मैं जब जू गई थी पिछले बार तो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, मतलब पूरा अच्छे से जूम कर करके एनिमल्स को दिखाया है। अभी हम गए थे तो ज़्यादा एनिमल्स नहीं देख पाए क्योंकि मेरी बहन को अच्छा नहीं लग रहा था, उसको घर आना था इसीलिए। लेकिन हाँ, नीचे लिंक दिया गया, जल्दी जाके लिंक पे क्लिक करो और जाके देख लेना अगर आपको जू का पूरा एनिमल्स देखना है तो। बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप सब।